मेरा नाम कमल जिंदल है, ये मेरे फादर हैं माणिकचंद जी जिंदल। इनकी उम्र 68 साल है। हम लोग ब्यावर राजस्थान से आए हैं। इनको नवंबर 2015 में ब्रेन स्टीम ब्लीड हुआ था। ये अखबार पढ़ रहे थे मॉर्निंग में, मॉर्निंग वॉक के बाद अचानक इनको पसीना आया और इनका मुंह टेढ़ा हो गया और राइट पोर्शन में वीकनेस आ गई। इसके बाद में मैं इनको तुरंत 45 मिनट के अंदर अजमेर हॉस्पिटल मित्तल हॉस्पिटल में एडमिट कराया। वहाँ न्यूरोफिजिशियन ने सिटी स्कैन करके मेरे को डायग्नोस किया कि इनको पॉन्टाइन ब्रेन स्टीम ब्लीड हुआ है। 72 आवर्स तक इनको कुछ भी हो सकता है। इनकी सारी रिपोर्टिंग लेके हम जयपुर गए, वहाँ भी किसी न्यूरोफिजिशियन और सर्जन ने इनका केस लेने से मना कर दिया। तो हमने हमारी एक टीम वेदांता के लिए रवाना करी। हमको हैदराबाद से वेदांता का रेफरेंस मिला था कि वहाँ न्यूरो का डिपार्टमेंट काफ़ी बढ़िया है। 48 आवर्स के बाद इनको वेदांता शिफ्ट कर दिया। यहाँ मैडम ज्योति सहगल ने हमको काफ़ी कोऑपरेट किया और उन्होंने हमको पॉजिटिव व्यूज दिए। माणिकचंद जिंदल, अ पेशेंट हु केम टू अस इन ट्रायज विद अ ब्रेन हेमरेज, अ डिवास्टेटिंग स्ट्रोक विद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन स्टेम। The relatives had lost hope for him. A very good care in the hospital, in an ICU setup where we have a dedicated stroke team, gave life back to him. उसके बाद में इन्होंने, ज्योति मैडम ने एक हफ्ते के बाद इनको कोमा से बाहर कर दिया और सेंस में आ गया, फुली सेंस में। Not only he came out of ventilator, he started recognizing relatives. Right now we are struggling to get his tracheostomy tube out. And he needs a solving therapist. After brainstem stroke, there is almost 40-47% of patients after stroke, they land up having dysphagia. Whatever we are giving them, so it is not going into their stomach, it is rather entering into their lungs. And as a part of swallow therapy team, so we give them swallowing exercises, we suggest diet modification to the patients so that their swallowing function improves as fast as possible. उसके बाद हम करीबन एक महीने तक वेदांता में एडमिट रहे। उसके बाद उन मैडम ने हमें घर भेज दिया और अभी आज काफी बढ़िया पोजीशन में हैं। Patients of stroke cannot come to us daily on the OPD basis. This Maanikchand Jindal patient has been in follow-up for the last 9 months now. We have a special way by which my stroke patients can follow up: telemedicine. Namaste Jindal. दोनों हाथ उठा भाई। गुड़गांव से जो हमारा शहर है ब्यावर, अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है, वो करीबन 500 किलोमीटर दूर है। तो हम यहाँ से डिस्चार्ज हुए बाद हर महीने करीबन वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं और काफ़ी बढ़िया हमको उस पर रेस्पॉन्स मिलता है और हमारा पेशेंट में रिकवरी आ रही है। उसी वजह से हमें बार बार परेशान नहीं होना पड़ता आने जाने के लिए। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है टेलीमेडिसिन का।